फितरे का बयान सिर्फ इतना कर रहा, सिर्फ एक फसल के नंबर एक फितरा गरीब पर वाजिब नहीं है, उस पर वाजिब है कि जिसकी साल भर की आमदनी और साल भर का उसका खर्चा बराबर है, या यह कि आमदनी थोड़ी सी ज्यादा है खर्चा कम, जिसकी आमदनी कम है और उसका खर्चा ज्यादा है उसके ऊपर फितरा वाजिब नहीं। लेकिन फितरे के बेनिफिट इतने कि ऐसे आदमी के लिए भी सुन्नत करार दिया गया कि वो फितरा दे। अच्छा, जो फितरा वाजिब है तो आदमी पे अपना वाजिब है, वो तमाम लोग जो उसके डिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट के लफ्ज को मुझे थोड़ा सा समझाना था, तफसील में गए बाबा। डिपेंडेंट में जो फैमिली मेंबर्स हैं वो तो आ ही जाते हैं, पाकिस्तान के और ईस्ट अफ्रीका के बाद से डिपेंडेंट में एक मसला नौकरों का आता, जो वेस्ट में तो बहुत ही मुश्किल है कि किसी के पास किस टाइप के नौकर होंगे उसके साथ उसके घर में रह रहे, बल्कि किसी टाइप के भी नौकर नहीं होंगे ये अलग बात है कि आप खुद अपने आप को हम्बल सर्वेंट करार दें अपनी वाइफ का, वो आपका उनका मसला है। लेकिन यहां का जो सिस्टम उसके अंदर अच्छे खासे खासे किसे लोग भी इस पोजीशन में नहीं होते कि नौकर ऐसे उनके पास हो जिनको हम डिपेंडेंट की तारीफ में गिन कर इतना वाजिब करें। लेकिन इस अफ्रीका में एक घर में 10-10 नौकर होते और पाकिस्तान में भी इम्कान है तो इसको बाहर छोड़ दी। डिपेंडेंट के अंदर आदमी के फैमिली मेंबर्स के बाद दो और ऐसी कैटेगरी के लोग आते हैं, एक नौकर वो खत्म बात, और दूसरा मेहमान। मेहमान का फितरा मेजबान पर वाजिब, गेस्ट का फितरा उसके होस्ट को देना, और इस तरह से देना है कि फिर उस गेस्ट के ऊपर अपना फितरा सापेक्ष। मैं फिर अपनी मिसाल दूंगा तो किसी साहब को हाथी याद आ जाएगा, मौलाना को पालना हाथी पालने से ज्यादा मुश्किल है, तो जो मुझे पाल रहा है वो हाथी रखे हुए। खैर, अब मेरा फितरा जो है उन साहब पर होगा जिनके यहां मैं मेहमान, लेकिन मेरी अपनी एक फैमिली भी है, मैं आसमान से उतरा नहीं, तो एक फैमिली है उसका फितरा मुझे देना हो, तो मेरे ऊपर खुद अपना फितरा वाजिब नहीं है इस साल, और पिछले साल भी नहीं था, उससे पिछले साल भी नहीं था, 3 साल से मेरा फितरा एले के मोमिनी ने करा पड़ा था, लेकिन वो बॉक्स रखकर मौलाना के नाम पे फितरा जमा नहीं होगा जिसके घर मेहमान, लेकिन खुद मौलाना पर अपने फैमिली मेंबर्स का फितरा वाजिब होगा। तो मेहमान का फितरा उसके मेजबान पर वाजिब है, चाहे मेहमान खुद अपनी एक फैमिली रखता हो जिसका उसको फितरा अलग से देना पड़े। तो अगर मैं और मेरी फैमिली मिलकर 6 तो 5 का फितरा मुझको देना होगा, मेरा अपना फितरा नहीं। ये तो खैर फजूल सा जुमला था, काम की बात इसमें यह है कि कौन से मेहमान का फितरा वाजिब होगा। इस डर की वजह से कि मेहमान का फितरा ना देना पड़े, कराची की अक्सर मस्जिदों में चांद रात की इफ्तारी की जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं कि अगर हमने मस्जिद के अंदर 200 आदमियों के लिए कार्य दिलवाई तो 200 फितरे भी उसके साथ हम पर आ जाए। कराची के अंदर अक्सर चांद रात को जो इफ्तारी के वक्त दरवाजों पे गरीब आ जाते हैं कि भूखे हैं, एक वक्त की रोटी दे दो या आज का इफ्तार दे दो, 28 दिन हम इफ्तार उनको देते हैं, 29वें दिन नहीं देते, ऐसा ना हो कि उसका फितरा हम पर आ जाए। क्योंकि आधा मसाला हमारे यहां मालूम है लोगों को कि मेहमान का फितरा मेजबान, होस्ट या घर वाले को देना, लेकिन यह नहीं मालूम कि मेहमान के डेफिनेशन क्या है। इस्लाम मेहमान की डेफिनेशन जो मैंने पहला लफ्ज कहा कि फितरा वाजिब में अपना और अपने डिपेंडेंट का, ऐसा मेहमान जो आपका डिपेंडेंट कहलाए, एक वक्त का खाना जिसने आपके घर में खाया वो आपका डिपेंडेंट नहीं कहलाए, आपने जिसके लिए मस्जिद या इमामबाड़े में इफ्तारी भिजवाई वो आपका डिपेंडेंट नहीं, दरवाजे पे भीख मांगकर एक वक्त का खाना जो ले गया वो डिपेंडेंट नहीं। डिपेंडेंट के अंदर थोड़ा सा ये कंसेप्ट आता है कि वो किसी दूसरे शहर का या दूसरी काउंटी का आदमी है जो अपना साज सामान सामान वगैरह लगेज बैगेज सब लेके आपके घर में कुछ दिन स्टे करने के लिए आया। तो डिपेंडेंट मेहमान जो है उसकी तारीफ में वो लोग नहीं आते हैं जो आपके दस्तरखान पर एक वक्त के खाने के लिए बुलाए गए, चाहे ये दस्तरखान मस्जिद में आपने लगाया हो, चाहे किसी होटल में लगाया हो, चाहे अपने घर में लगाया हो,
इन लोगों का पितरा नहीं है, लेकिन वो मेहमान जो एक तरह से आपके घर में कुछ दिन के स्टे के लिए बाहर से आया। तो एक बहुत ये अहम मसला है जो लोगों में कंफ्यूजन क्रिएट करता। और अगर किसी का फितरा आप पर वाजिब नहीं और आप देना चाहें तो फिर यहां पे वो मसला आ जाएगा जिसकी तफसील का मकसद होगा आधा घंटा, कि फिर उसका फितरा अगर आप देना चाहें तो आम फितरे की नियत से नहीं देंगे। आम फितरा जो वाजिब है आप पर वो दिया जाता है, फितरा देता हूं वाजिब कुर्बतन इलल्लाह, ये आपकी नियत में होना चाहिए, चाहे जबान से कहें चाहे न कहें। लेकिन ऐसा फितरा जो आप पर वाजिब नहीं, यानी जो फितरे की डेफिनेशन में नहीं आ रहा, हमारे घर में फकीर आके एक वक्त का खाना ले गया, उसका फितरा हम पे वाजिब नहीं है, फिर भी देना चाहते, वह किसी की चैरिटी बनेगी, लेकिन उसके अंदर फिर नियत जो है वो आपके वाजिब कुर्बतन इलल्लाह या कुर्बतन इलल्लाह की नियत नहीं करेगी। यानी जो दूसरे फितरे आप दे रहे हैं वो वाली नियत उसमें नहीं करेगी। उसकी एक और नियत इस्लाम ने बताई है, जिसको मैंने कहा कि अगर मैं समझाऊं तो आधा घंटा निकलेगा, बजाय मतलब दिए होप ऑफ एक्सेप्टेंस, किस नियत के साथ, एक अच्छा ही काम तो कर रहे हैं ना, पैसे दे रहे, किसी भी जेब काट के पैसे ले तो नहीं रहे ना, दे ही रहे ना अल्लाह के नाम पर, शायद अल्लाह कबूल कर। जो फितरा आप पर वाजिब नहीं है वो इस नियत से दिया जाता, जिसका एक हिस्सा पिछली तकरीर में आया था कि $8 फितरा आप पर वाजिब है, आप 10 दे रहे हैं एहतियात, तो नियत यही हो कि असल तो वाजिब 6.6 pounds है, उसके बाद में एहतियात दे रहा हूं। برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله